फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया जो आपके कोर्स में था, सेकंड चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया था मैंने, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर हट गया है, फिफ्थ चैप्टर पूरा हट गया, सिक्स चैप्टर आपको मैंने कराया था, आज सेवन चैप्टर का 7.1 करा रहा हूँ आपको। प्रमेय सॉल्व करना पहले बताई थी मैंने, अब आपको प्रमेय किस तरह से करनी है ये आपको मैं बता रहा हूँ। प्रमेय सवाल दे रखा होता है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। अगर सवाल में चित्र दे रखा होता है, इसमें चित्र दे रखा है तो चित्र मस्त है, अगर चित्र दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स फिर उसके बाद चित्र के बाद हमें दिया गया लिखना होता है, उसके बाद सिद्ध करना जो भी सिद्ध करवा रहा सवाल में, उसके बाद रचना, अगर कोई रचना करी तो ठीक है, नहीं करी तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद उपपत्ति, इस तरह से हमें करना होता है। तो हमारे पास सवाल दे रखा है चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी है, एसी और एडी दोनों बराबर दे रखा है और एबी, एबी लाइन जो है कोण ए को समझाया करती है, दो भागों में बांटती है, तो समझाया करता है, तो दर्शाई में सिद्ध कीजिए, दर्शाने में सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी और कोण ए को भुजा एबी दो बराबर भागों में बांटती है या संधिभाजित करती है, कुछ भी लिखते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना, दर्शाना या सिद्ध करना एक ही बात है, क्या दर्शाना है कि ये दे रखा है सवाल में, दर्शाना है तो इसका नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी। अब देखिए इसमें हमारे पास रचना कर दो चाहो तो, नहीं इसमें नहीं हो रही उपपत्ति, उपपत्ति में हमारे पास देखिए त्रिभुज दे रखे हैं दो, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है एबीडी, तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी में एसी बराबर एडी डॉट डॉट दिया है, दे रखा ना सवाल में दिया, तो उसके बाद कौन बी ए सी बराबर कोण बी ए डी ये भी दिया है और ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी डॉट 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 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तो देखिए जब ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो सर्वांग सम होते हैं, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीडी इतनी सीधा या हैंड्स टू। स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपकी परमे हैं, आपको इस तरह से परमे करना चाहिए, ये परमे करने का तरीका ऐसा है क्योंकि बच्चा घबरा जाता है कि करना है, लेकिन आप अगर पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग चलेंगे, पॉइंट से पॉइंट को देखते हुए चलेंगे तो आपको परमे सॉल्व करना आ जाएगा।
फ्रेंड्स इसको होमवर्क में करें, नोटबुक में करें और बार बार प्रैक्टिस में लें, तब जाके आपको ये आना शुरू हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी दिया गया है। खुद ने दे दिया एडी बराबर बीसी, और कोण डीएबी, कोण डीएबी और कोण सीबीए दोनों बराबर दिए गए हैं। तो आकृति में देखने का है, सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीडी समांतर त्रिभुज बीएसी, और दूसरा सवाल बीडी बराबर एसी, और तीसरा है कोण एबीडी, एबीडी बराबर कोण बीएसी। यानी ये तीनों चीजें आपको प्रूव करनी है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये दिया गया है एबीसीडी एफ चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी और कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए है। तीसरा दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है। नंबर एक, ए बी डी समांतर बी ए सी, दूसरा बी डी बराबर ए सी, तीसरा ए उपपत्ति। तो देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज हम ले लेते हैं कि त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज बीएसी। तो देखिए इसमें एडी बराबर एसी डॉट डॉट दिया है, और कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए ये भी दिया है, और एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ सर्वांगसम होते हैं। जब त्रिभुज की तीन भुजा सर्वांगसम तो ये हमारे सर्वांगसम में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसमें हमारे पास क्या कह रहा है बी डी, ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन, इसको उतारना है और इसको करना है नेक्स्ट। अब त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीसी और एबीडी में बात कर रहे हैं हम, तो एबी बराबर थे एबी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ प्रूव करा है मैंने सवाल में दिया है, और एडी बराबर बीसी बीसी बराबर एडी दिया है।
20 उपस्थित क्या तो हमारे पास त्रिभुज सर्वांग समूह है एबीसी, सर्वांग समूह त्रिभुज एबीडी। तो त्रिभुज सर्वांग समूह होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, अतः एसी बराबर बीडी। ये दूसरा सवाल हो गया और ये एंगल भी इसी तरह से एंगल भी बीएसी बराबर एंगल एबीडी इति सिद्धम। तरह से ये सवाल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपके सवाल हो गए।